तो दोस्तों अगर आप पीएफ में क्लेम करना चाहते हो तो चाहे आप फॉर्म 31 फिलअप करें, फॉर्म 10D फिलअप करें, जो भी फॉर्म आप फिलअप करें, फिलअप करने से चाहे आप पूरा पैसा निकाले, चाहे एडवांस का पैसा निकाले, जो भी पैसा निकालने का पहले आपको एड्रेस को अपडेट करना पड़ता है। इसी में जो बहुत सारा कैंडिडेट 99% कैंडिडेट जो है एड्रेस को गलत तरीके से फिलअप करता है, उसके बाद क्या होता है जो आप क्लेम करते हो क्लेम फॉर्म रिजेक्टेड हो जाता है। इसीलिए मैं अभी आज सही तरीके से आप लोगों को दिखाऊंगा कैसे आपको एड्रेस को फिलअप करना है, करंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस दोनों एड्रेस को कैसे सही से आप फिलअप कर सकते हो, उसके बाद कैसे आपका क्लेम बिना रिजेक्ट होके आपका पैसा तुरंत आ जाएगा, मैं पूरा का पूरा प्रोसेस इस वीडियो में बताऊंगा दोस्त। चलिए दोस्त वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा वीडियो अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल में सेट कर लेना। तो फ्रेंड चलिए मेरा मोबाइल का स्क्रीन में मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कैसे आप पीएफ का जो एड्रेस है उसको कंप्लीटली फिलअप कर सके। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैं मेरा मोबाइल के स्क्रीन में आ चुका हूँ। फर्स्ट आपको क्रोम ब्राउजर में क्लिक करना है। क्रोम ब्राउजर में क्लिक करने के बाद सर्च करना मेंबर होम लिख के सर्च करने के बाद फर्स्ट जो आपका सामने ऑप्शन आएगा उसमें क्लिक करना दोस्त। क्लिक करने के बाद चाहे आप इसको मोबाइल से भी कर सकते हैं, कंप्यूटर लैपटॉप से भी कर सकते हैं। मोबाइल से करने के लिए आपको सिंपली क्या करना, ऊपर में जो 3 डॉट का मार्क दिख रहा है दोस्त, इधर ऊपर में जो राइट साइड में 3 डॉट का मार्क दिख रहा है, 3 डॉट में क्लिक करना। क्लिक करने के बाद डेस्कटॉप साइड में कर लेना, डेस्कटॉप मोड ओपन कर लेना। मैं ऑलरेडी ओपन करके रखा हूँ, टिक मार्क करके रखा दिखाई दे रहा था दोस्त डेस्कटॉप साइड में। आप जाके इधर नॉर्मली डेस्कटॉप साइड करके रखना, उसके बाद जाके आप पूरा काम मोबाइल से कर सकता है। सिंपली यूएन नंबर और पासवर्ड डालना दोस्त। यूएन नंबर डालने के बाद लास्ट साइन इन में क्लिक करना दोस्त, जो साइन इन का मार्क दिख रहा है साइन इन में क्लिक करना। साइन इन में क्लिक करने के बाद आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर में आधार कार्ड का जो मोबाइल नंबर रजिस्टर है उसमें ओटीपी जाएगा, ओटीपी सिंपली एंटर करना दोस्त। ओटीपी डालने के बाद कैप्चर कोड फिल करना, नेक्स्ट सबमिट में क्लिक करना दोस्त। सबमिट का बटन दिख रहा है इधर, सबमिट में क्लिक करना। नेक्स्ट आपका सामने इसी तरीके से इंटरफेस होम पेज ओपन हो जाएगा दोस्त। सिंपली लेटर में क्लिक करना, नेक्स्ट व्यू में क्लिक करना, इधर जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है दोस्त, इधर जो पूरा ऊपर में जो 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 ऑप्शन दिखाई दे रहा है दोस्त, जो देखो ऊपर में जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सिंपली नेक्स्ट ऑप्शन जो व्यू लिखा है व्यू में क्लिक करना। व्यू में क्लिक करने के बाद प्रोफाइल में क्लिक करना, फर्स्ट जो ऑप्शन है प्रोफाइल उसमें क्लिक करना। प्रोफाइल में क्लिक करने के बाद नीचे जाना, थोड़ा सा स्क्रॉल करके पूरा नीचे जाना, नीचे देखना दोस्त नॉट अवेलेबल लिखा है। परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस दोनों को फिलअप करना होगा, इसलिए इधर जो पेंसिल का मार्क दिख रहा है दोनों फर्स्ट में क्लिक करना, परमानेंट एड्रेस में पेंसिल का मार्क में क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आपका सामने इसी तरीके से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आप इधर ही फॉर्म पूरा फिलअप करना, जैसे आपका लाइन 1 में आपका जो गांव का नाम है उसको फिलअप करना, लाइन 2 में आपका जो पोस्ट ऑफिस का नाम है गांव का रिलेटेड जो पोस्ट ऑफिस उसमें क्लिक करना, उसके बाद सिटी फिटी जो है मैं दिखा रहा हूँ आपको दोस्त, सिटी है, स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, पिन कोड है, सेम टू सेम फिलअप कर लेना दोस्त। लाइन 1 में मैं पहले फिलअप कर लेता हूँ, मैं फिलअप करने के बाद फिर कंटिन्यू करता हूँ दोस्त। तो दोस्त एड्रेस मैं पूरा फिलअप कर लिया, आप देख लीजिए। फर्स्ट गांव का नाम लिख लिया दोस्त, सिर्फ जो गांव का मेरा नाम है देवीपुर गांव, मतलब जो मेरा गांव एक्चुअली वेस्ट बंगाल है, तो वेस्ट बंगाल का जो नियरेस्ट गांव का नाम जिसमें रहता हूँ उसको फिलअप किया। उसके बाद लाइन 2 में अपना पोस्ट ऑफिस गांव का रिलेटेड पोस्ट ऑफिस फिलअप किया, सिटी गांव से दूर जो सिटी है सिटी का नाम फिलअप किया कोलकाता, उसे स्टेट वेस्ट बंगाल, डिस्ट्रिक्ट जो है साउथ 24 परगनास, उसके बाद पिन कोड, ऐसे पूरा के पूरा आपको फिलअप करना होगा। उसके बाद नेक्स्ट करंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, करंट एड्रेस। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बता देता हूँ दोस्त, अगर आप मान लो ये जो फर्स्ट एड्रेस है आपका गांव का एड्रेस दिया परमानेंट, आप करंट एड्रेस आप जिधर काम कर रहे हो उधर का एड्रेस भी दे सकते हो, जैसे मुंबई, चेन्नई, केरला, बेंगलोर, आप जिधर रहते हो उधर का एड्रेस करंट एड्रेस में दे सकते हो। अगर पीएफ का पैसा जो अर्जेंट उठाना तो आप करंट एड्रेस में उधर का एड्रेस दे सकते हो। अगर आपको नॉर्मली आप गांव का एड्रेस भी दे सकते हो, गांव का एड्रेस देने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम टू सेम दोनों एड्रेस दोगे तो भी आपका पैसा आ जाएगा, टेंशन नहीं है। बट करंट एड्रेस दोगे तो थोड़ा सा जल्दी पैसा आ जाएगा, आपका पैसा अर्जेंट चाहिए तो जल्दी आ जाएगा, यार दोनों सेम टू सेम एड्रेस देगा तो पैसा आने में थोड़ा सा टाइम लगता है, प्रोसेसिंग टाइम, और कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्त। दोनों मेरा हिसाब से आप दोनों ही सेम दे दीजिए दोस्त, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा ही है। सेम रखने के लिए आपको क्या करना, सिंपली आपको नीचे जो ऑप्शन है करंट एड्रेस इज सेम द परमानेंट एड्रेस, इधर क्लिक करना। इधर क्लिक करने के बाद इधर जो मार्क दिख रहा है मार्क में राइट मार्क क्लिक करना, छोटा सा घर में टिक मार्क करना। टिक मार्क करने के बाद सबमिट, इधर जो सबमिट का बटन दिख रहा है दोस्त नॉर्मली आपको सबमिट कर देना है। नेक्स्ट आपका जो एड्रेस है पूरा सेव हो गया दोस्त, दिखा रहे दोस्त नीचे एड्रेस सेव्ड सक्सेसफुली, आपका जो एड्रेस है पूरा सेव हो गया। तो दोस्त यही था हमारा आज का प्रोसेस। तो दोस्तों वीडियो देख के आपको कुछ फायदा हो तो जरूर वीडियो में लाइक करना, फर्स्ट टाइम मेरा चैनल में वीडियो देख रहे हो तो जरूर मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल में सेट कर लेना। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल ऑफ टेक केयर।